Kamagani, welcome and welcome back to my channel Samjara Todi again. How are you all? I hope you're doing great and मजे हो रहे होंगे सबके क्योंकि चल रही है समर और कोई लोग घर पे उनके तो मजे है भाई, अब धूप में जाना नहीं है क्योंकि जो बाहर निकलेगा बहुत भयंकर धूप हो रही है यहाँ जयपुर में तो. एंड चलो इस बात को तो हम बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंशियल असेंशियल जो आपके पास होने चाहिए और इट्स नॉट कंपल्सरी जो आपके पास हो नहीं हो वो आपकी चॉइस है, बट कुछ सजेशन है जो मैं देना चाहती हूँ बिकॉज मैंने यूज किया है. फर्स्ट असेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है कोकोनट ऑयल और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं क्रीम भी, तो मेरे को ये क्रीम दी है जो स्ट्रेच मार्क के लिए है पर उसमें मुझे ऐसे कहा है कि उसमें कोकोनट ऑयल मिलाओ और उसके बाद उसको पेट पे और आपकी थाइस पे लगा सकते हैं, बट मैं ज़्यादा इसको अवॉइड किया है. मैंने नारियल का तेल लगाया है दिन में 2 बार, लाइक अगर आप नहा रहे हैं उससे पहले लगा लो, बाद में लगा लो, रात को सोने से पहले लगा लो, जैसे आपकी मर्जी वैसे लगा लो बिकॉज मैं दिन में लगा सकती बिकॉज आई एम एट ऑफिस, तो आप पे डिपेंड करता है अगर आप जैसा चाहे, लेकिन दिन में कम से कम 2 बार आपको ऑयल अपने पेट पर और अपनी थाइस पे जरूर लगाना चाहिए जिससे आपके जो स्ट्रेच मार्क है वो नहीं आएंगे बिकॉज ये एक रेगुलर प्रोसेस है. स्ट्रेच मार्क तो आएगी क्योंकि आपकी जो स्टमक है जो उसकी मसल्स हैं वो फैलती है इस वजह से, तो थोड़ा प्रिकॉशन रख लेंगे तो मे भी आपके स्ट्रेच मार्क है वो नहीं आएंगे क्योंकि डिपेंड करती है प्रेगनेंसी बॉडी टू बॉडी, हर गर्ल की जो बॉडी है वो अलग अलग होती है. सो इसलिए सेकेंड एसेंशियल प्रोडक्ट है वो है योगा ब्लॉक्स. योगा ब्लॉक्स मैंने इसलिए मंगाए थे क्योंकि आपको अगर आपने एक्सरसाइज नहीं भी की है पूरे ना पहले मतलब प्रेगनेंसी से पहले तो भी आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत योगा थोड़ा प्राणायाम जरूर करना चाहिए बिकॉज ये आपकी जो डिलीवरी के लिए बहुत बेस्ट रहता है. तो मैंने योगा ब्लॉक्स में ऑफकोर्स इन्वेस्ट किया और आपको भी करना चाहिए बिकॉज ये हमेशा काम आएंगे, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये आप हमेशा आपको काम आने वाले हैं. तो ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है जो आपका खराब हो जाएगा, हमेशा चलते हैं, संभाल के रखिए, योगा करते रहिए और स्वस्थ रहिए. तो थर्ड एसेंशियल है योगा मेट. तो योगा मेट भी आपके पास होनी चाहिए बिकॉज कई बार क्या होता है, या फिर ऐसी चीज जो स्लीपरी नहीं हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग घर में जो दरिया होती है कुछ बिछाते हैं तो वो क्या स्लीपरी हो जाता है तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है योगा के लिए. तो यू शुड हैव अ योगा मेट या फिर ऐसी कोई मेट जो स्लीपरी नहीं हो जिसपे अगर कोई भी आसन कर रहे हैं उससे पिछले नहीं, क्योंकि ये खतरा हो सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, इसे नॉट सेफ फॉर प्रेगनेंसी. तो आप योगा मेट में भी इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, आप बहुत सारे टाइप आते हैं, 500 शुरू होते हैं तो 500-600 जैसा आप चाहें वैसा आप ले सकते हैं. और जो योगा ब्लॉक्स की मैंने बात की थी वो योगा ब्लॉक्स मुझे पड़े थे 499 रुपीज में. नेक्स्ट आइटम जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो है, ज़्यादा कपड़े मैंने खरीदे नहीं है बिकॉज ये थोड़ा टाइम की बात है, ज़्यादा पैसे खर्च करने कपड़ों में मैं विश्वास नहीं करती हूँ. तो मैंने कपड़े क्योंकि ये काम नहीं आएंगे ना, आप किसी को स्टाइल करके नहीं पहन सकते, वो बहुत ज़्यादा ढीले हो जाएंगे, किसी और को आप दे नहीं सकते, जो और कोई पहन नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. तो मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है लेगिंग्स में, मैंने उसको उल्टी कर रखा है पहले से क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ब्रांड. और ये मैंने एल साइज में लिया है, पहले मेरा साइज एस था तो मैंने 2 साइज अप ले लिया है. और ये जो लेगिंग्स है बहुत अच्छी है, ये मुझे पड़ी थी शायद 569 रुपीज में और इसमें डिस्काउंट चलते रहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी 10% डिस्काउंट मिल जाता है. तो ये लेगिंग्स आप 2 कर सकते हैं, ब्लैक और रेड, जो भी आपकी मर्जी है, इसको आप घर में पहन सकते हैं, जो ओवरसाइज टी शर्ट्स होती हैं उनके साथ पहन सकते हैं. ये बहुत कंफर्टेबल रहती है और आपकी जो बेली है उसको बहुत सपोर्ट करती है, लगता है कि हाँ किसी ने ऐसे आपको सपोर्ट दे रखा है. तो ये बहुत अच्छी लगती है मुझे तो, क्योंकि मैं घर पे सिर्फ लेगिंग्स पहनती हूँ, मैं ऑफिस का अलग से सूट लाया है मैंने, बट मैं घर पे हमेशा लेगिंग्स पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल रहती है और गर्मी में आप पहन सकते हैं और सर्दी में आप इसको पहन सकते हैं. तो दिस इज अ नेक्स्ट एसेंशियल और ये इतनी स्ट्रेचेबल है कि आपके आराम से आपके 9 मंथ तक आएगी और जब पोस्टमार्टम पीरियड आएगा वो भी उसमें जो 4th trimester होता है उसमें भी आराम से काम आएगी. नेक्स्ट आइटम जो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है फ्लिप फ्लॉप. ये इतनी कंफर्टेबल है, ये HRX की आप कोई भी ब्रांड्स के लिए, वो कोई पर्टिकुलर नहीं है. मैंने ये मिंत्रा से मंगाई है ऑनलाइन 499 रुपीज की, बट इसमें बहुत सारी वेराइटीज आते हैं तो आप कैसे भी मंगा सकते हैं, बट ये इतने कंफर्टेबल है, सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम निकाल लेंगे और इसके इतना चलिए, कम से कम मैं इसको अब पिछले टाइम से चला ही रही हूँ, मतलब 7-8 महीने मुझे इसको पहनते हुए हो गए और अभी मैंने सोचा ये खराब कुछ भी नहीं हुई है, धो और वापस यूज ले लो, तो कम से कम 1.5 साल ये आराम से चल जाएगी. ही पहनने को डॉक्टर अवॉइड करते हैं तो इसलिए मैंने इनमें इन्वेस्ट किया है. और ये बहुत कंफर्टेबल है, आप कहीं बैठ रहे हैं, मतलब अगर आपको पैर ऊपर करके बैठना है तो फटाफट खोलो. शूज़ पहनते हैं तो क्या होता है गर्मी में शूज़ अच्छे नहीं लगते हैं, और शूज़ पहनने का ये है कि उनको खोलो, फिर अगर आप टाई करने जाते हो लेसेस तो बहुत परेशानी हो जाती है. तो आपको शूज़ से अच्छा है कि आप ऐसे फ्लिप फ्लॉप में, या फिर आप वो शूज़ भी ला सकते हैं जो केवल जिनमें टाई करने के लिए कुछ नहीं होता है, शूज़ जिसमें लेसेस नहीं होती है वो शूज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं.
मेरे हिसाब से आपको कपड़ों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये एक फेज है जो थोड़े टाइम बाद में लगता है कि चला जाएगा। बट अगर आप मेरी तरह ऑफिस जाना पड़ता है आपको, और जो पहले वाले कपड़े साथ तो टाइट हो गए, वो एक भी कपड़ा मुझे नहीं आ रहा है, तो मैंने कुछ एक जोड़ी में इन्वेस्टमेंट किया है सूट्स में, वो है दिस टाइप ऑफ सूट जो है लाइक ये आलिया कट जो बोलते हैं इसको, ये ऐसे सूट लाओ यानी ए लाइन सूट होने चाहिए जिससे कि आपके स्टमक पर टाइट नहीं हो, यहाँ पर टाइट नहीं होंगे तो आप आराम से कंफर्टेबली ऑफिस में बैठ पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि कुछ सूट जो आप नॉर्मल खरीदते हैं स्ट्रेट सूट होते हैं वो आपके पेट पर बहुत टाइट हो जाएंगे और पूरा पेट दिखता है और अच्छे भी नहीं लगता है। तो आप ऐसे सूट्स में यानी इस टाइप के सूट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ए लाइन सूट्स भी होते हैं, ये आलिया कट है। तो ऐसे दो तीन सूट मैंने खरीदे हैं, और मेरे पास ये जो मैंने पहन रखा है ये मेरे पास पुराना सूट था और बट इसकी थोड़ा ढीला था, तो मेरे अभी भी ये आ रहा है और इसको मैं ऑफिस भी पहन जाती हूँ तो आई एम कंफर्टेबल विद दैट। ढीला ढीला है जिससे घर में भी नहीं लगती है और ऑफिस में भी ठीक लगता है। तो नेक्स्ट एसेंशियल जो है प्रेगनेंसी के लिए वो है एलोवेरा जेल। आप कोई सी भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, नेचुरल अगर आप घर पर रहते हैं तो नेचुरल जो एलोवेरा जेल होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो एलोवेरा का पौधा होता है उसमें से, और आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, पतंजलि हो गई, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एलोवेरा जेल जो है सेल करते हैं। तो क्या होता है, आपको ज़्यादा प्रेगनेंसी में ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज पता नहीं क्या साइड इफेक्ट हो जाए, कौन सी क्रीम आपको सूट कर रही है कौन सी नहीं कर रही, तो अवॉइड सम मेकअप। तो मैं मोस्टली एलोवेरा जेल एंड सनस्क्रीन लगाती हूँ जो बिल्कुल मेरा मेकअप हो जाता है और ऑफिस चली जाती हूँ, बिकॉज इस टाइम में ज़्यादा मेकअप यूज़ करने से क्या होता है, एक तो गर्मी चल रही है मेरे टाइम पे और ऊपर से आप पता नहीं कौन सी चीज़ कब रिएक्शन कर जाए और डॉक्टर के भागना पड़े। इससे अच्छा है कि आप कम केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करें, मेकअप बाद में भी हो सकता है तो थोड़े टाइम में अवॉइड कर दीजिए। तो नेक्स्ट असेंशियल जो है प्रेगनेंसी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्माइल। हमेशा खुश रहिए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका बच्चा खुश नहीं होगा, और जब हम बाद में देखेंगे तो चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मम्मा ने गुस्सा पूरे 9 महीने किया है। आराम से रहिए, खुश रहिए, चिल रहिए, जैसे हो वैसे काम कीजिए, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ अच्छा होगा। ऑफकोर्स बेबी थोड़ा, दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम, बट मैं भी थोड़ा ऐसे कर रही हूँ कि ठीक है, भगवान का नाम ले रही हूँ, योगा कर रही हूँ, एंड देन सब कुछ ठीक है। सो प्लीज़ बी सेफ, आराम से रहिए और आराम से अच्छा अच्छा खाना खाइए, एंड बी हैप्पी एंड हैप्पी जर्नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई फील सो हैप्पी। अजीब सा लगता है बट ठीक है, ये जर्नी है, ये निकल जाएगी थोड़े टाइम बाद में। आई कैन सी माई बेबी इन माई आर्म्स एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, और सोच के भी अच्छा लगता है कि ठीक है सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल होता है बिकॉज आपका वेट गेन होता है, आपके पैरों में स्वेलिंग आती है, तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है। तो आज के लिए इतना ही, आई लव यू ऑल एंड बाय खमागणी। और अगर आपको थोड़ा वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन पर प्रेस कर दो, जब भी नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय, लव यू ऑल, खमागणी।